ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 20 अप्रैल 2020, सोमवार का दिन है, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और सोमवार के दिन त्रयोदशी सायंकाल में रहेगी, इसलिए सोम प्रदोष का महापर्व इस दिन रहेगा। भगवान विशेष भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन किया जाएगा तथा प्रदोष का व्रत भी किया जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान का पूजन करने से भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र तथा मीन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहुकाल में सभी प्रकार का शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कुछ क्षेत्रों में माना जाता है और कुछ क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रमा जो कि मीन राशि में, मंगल ग्रह मकर राशि में, बुध मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में, शुक्र ग्रह वृषभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ सिंह कन्या तुला वृश्चिक और मकर, ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी इनको होने वाली है। इसके साथ ही कुछ ऐसे संकेत इनको प्राप्त होंगे जिसके दूरगामी अच्छे परिणाम इनको मिलेंगे। तो ये 6 राशियां हैं वृषभ सिंह कन्या तुला वृश्चिक और मकर। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को सोमवार के दिन क्या उपाय करना है एवं इनके भाग्यशाली अंक क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नौकरी धंधे के तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, समय के साथ रहे, जो जैसा हो रहा है होने दे, योजनाओं में होती देर आखिर में आपके फेवर में साबित होगी, पुरानी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, आपको दूसरों की खातिर कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, उससे आपको ही फायदा होगा। आने वाले 2-4 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, कुछ चीज़ें आपके फेवर में रहेगी, समय अपेक्षाकृत ठीक रहेगा, ऑफिस और बिजनेस में कुछ चुनौतियाँ आपको मिल सकती है जिनका फायदा आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि आप सौंफ खा करके पानी पिएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। लोगों से मिलने और चर्चा करने का दिन है, जो योजना आपने बना रखी है उस पर काम शुरू कर सकते हैं, अच्छा फल देने वाला दिन है, ऑफिस में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और आप सक्रिय हो जाएंगे, शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने की पूरी कोशिश आपकी रहेगी, बिगड़ी हुई स्थितियां सुधारने में आपको पहल करनी होगी, मधुर शब्द और शांत मन आपके लिए ठीक रहेगा, कोई नज़दीकी व्यक्ति आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, आपका हौसला बढ़ा हुआ रहेगा, कोई विवाद यदि चल रहा है तो समझौता हो जाएगा या मामला आपके फेवर में हो जाएगा। उपाय के रूप में भगवान शंकर जी को यदि आप कच्चा दूध चढ़ा करके बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। प्रसन्नता और संतुष्टि आपको महसूस होगी, आपके लिए दोस्त बहुत खास रहेंगे क्योंकि उनसे ही आपके महत्वपूर्ण काम होंगे, कल्पनाशीलता के प्रभाव से आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे, जो काम पहले से चलता आ रहा है उसमें आप पूरी तरह सफल हो जाएंगे, बहुत व्यस्त रहेंगे लेकिन आराम करने का भरपूर अवसर मिलेगा, टेंशन न ले, घर परिवार के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा, कुछ लोग आपसे अपने निजी मामलों को लेकर सलाह मशवरा कर सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी को एक सफेद फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की।
कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। अपना रवैया और मनोबल सकारात्मक रखें। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बहुत रोचक चर्चा होगी। कार्यक्षेत्र में आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपके सामने जो रुकावटें आएगी वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। कुछ स्थितियों पर नए सिरे से आप विचार कर सकते हैं। जरूरत हुई तो थोड़ा बदलाव भी करेंगे। यात्रा की योजना बनेगी। पैसों के मामलों में आप अपने पार्टनर की सलाह पर भरोसा करें, उसका सुझाव ज्यादा बेहतर है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे से समय व्यतीत होगा। परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि आप अपने बेडरूम में या पलंग पर सुगंधित इत्र छींटेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। हर काम अच्छी तरह से आप पूरा कर पाएंगे। कुछ योजना और कामों में आप बदलाव कर सकते हैं। पद और पैसों के सिलसिले में अधिकारियों से चर्चा होगी। प्रमोशन जैसी स्थिति आपके सामने बन सकती है। कुछ नया करके दिखा सकते हैं। बातचीत करने का तरीका आपको बदलना होगा। पैसों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। दोस्तों और भाइयों से भी सपोर्ट प्राप्त होगा। जो प्लानिंग आपके दिमाग में कई दिनों से चल रही है उसको क्रियान्वित करने का समय आ चुका है। उपाय के रूप में यदि आप भोजन के साथ घी शक्कर का उपयोग करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। नौकरी तथा बिजनेस से संबंधित मामले निपटाने के लिए दिन अच्छा है। थोड़ी सी कोशिश से आपको रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। आज आप अचानक आने वाली परेशानियों और संकट से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, उसमें सफल भी हो जाएंगे। आप जिससे भी बात करें साफ और ईमानदारी पूर्वक बात करें। कोई आपसे पैसे भी मांग सकता है। किसी से कोई मदद लेने के पहले ठीक से विचार कर ले कि आखिर आप क्या चाहते हैं। आपको अचानक धन लाभ होगा। जो प्लानिंग या विचार आपके दिमाग में चल रहा है उस पर बार बार बदलाव न करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में भोजन के साथ टमाटर का उपयोग करना आपके लिए शुभफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पुराने किए हुए किसी काम से आपको अचानक फायदा हो सकता है या फायदे के संकेत मिल सकते हैं। आपके मन में कई प्रकार के विचार चलते रहेंगे। सफलता से दिन बिताने के लिए सहयोग का मन रखना होगा। छुटपुट और जरूरी काम निपटाने के लिए आपको बड़ी प्लानिंग करना पड़ सकती है। मन में संकल्प रखना होगा। दोस्त परिवार के लोग और बिजनेस में पार्टनर की जरूरतें आप पूरी कर लेंगे और कोई पुराना काम भी आप निपटा लेंगे। पुराने दोस्त से अचानक आपकी चर्चा होगी। आज किया हुआ शुभ काम आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा दे सकता है। शांत और सहनशील रहे तो आपको फायदा होगा। शुभ परिणाम मिलेंगे। किसी के साथ मतभेद का सामना भी करना पड़ सकता है। आपसे जुड़े हुए और आसपास के लोगों को आपसे कई अपेक्षाएं रहेगी। कुछ समय शोक पूरा करने में भी आपका निकल जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप अपने साथ एक सफेद फूल रखेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जरूरी काम जल्द ही निपटा ले। कोई जरूरी काम कल पर न टाले। पुराने परिचित लोगों से मुलाकात होगी। मन में कई दिनों से चल रही बातें आपके सामने आएगी। आप कुछ नया काम शुरू करने का मन बना सकते हैं। अपने घर से ही किसी तरह का कार्य या बिजनेस या और कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं तो उसमें अच्छा फायदा होगा। पुराने निवेश से फायदा होगा। परिवार के लोगों से संबंधों में सुधार होगा। लोग अपनी समस्याएं आपके सामने रखेंगे। आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। जो निवेश आपने किया है उसको अभी न छेड़े। कुछ समय इंतजार करें तो ही लाभ होगा। उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना आपके लिए शुभफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कई लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कई तरह की सूचनाएं भी आपको मिल सकती है और दोस्तों से अचानक मदद मिलने वाली है। रुकावटों के बावजूद अपने महत्वपूर्ण कामों पर आप ध्यान देंगे। घर परिवार और जमीन जायदाद के मामलों पर ध्यान देना होगा। नौकरी बिजनेस में कुछ नया करने से आपको बचना होगा। आप आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सकते हैं। मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद कोई भी मीठी वस्तु का उपयोग करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की।
कामकाज में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, कोई नया फायदे का काम अपने हाथ में लेंगे और उसे पूरा करने में लग जाएंगे, रोजमर्रा के कामों को पूरा करने में मेहनत करेंगे। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आप ज़्यादातर समस्याओं के समाधान के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें, करियर में आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका आपको मिल सकता है। परिवार के साथ उम्मीदें आपकी अधिक रहेगी। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद एक इलायची खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। सामूहिक और सामाजिक कामकाज निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी पुराने काम को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। आपके रुके हुए अचानक काम पूरे हो जाएंगे और आपके संपर्कों में मजबूत आएगी और कई लोगों से आपकी चर्चा होगी। अधिकारियों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। किसी प्रकार के वाद विवाद में भी आपको विजय मिलने वाली है। कोई ऐसी बात या परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। यह बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा। जब आप समझदार दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे तो लगभग सभी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान भी आपको मिल जाएगा। दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप एक बार दिन में गुनगुना पानी पियेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज कोई भी काम पूरा करने में आपको सहयोग मिलेगा। जो काम आपके सामने हैं उन पर ध्यान दें। रिश्तों के कुछ मामलों में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। दोस्त और प्रेमी के कारण आपको त्याग करना पड़ेगा। आपकी जरूरतें पूरी होगी। अपनी योजनाओं में भी आपको बदलाव करना होगा। आज आप किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं तो चिंता न करें। आपका दबाव कुछ ही समय का है। पार्टनर से संबंध सुधरेंगे और समय आपका पूरा साथ देगा। ऑफिस में साथ काम करने वाले कुछ लोग आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। पैसों से जुड़े कुछ मामले आपके लिए पेचीदा और कठिन साबित हो सकते हैं। आप पीछे न हटे, डट करके मुकाबला करें। जीवन साथी की जरूरतों पर ध्यान दें। और उपाय के रूप में कोई भी सुगंधित इत्र यदि आप भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।